ये बांग्लादेशियों की सोच कैसी है आज पूरा विश्व देख रहा है। आज हिंदुओं के घरों को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना और हिंदुओं का मर्डर करना, बलात्कार करना, हिंदुओं के घर जला देना, ये कहां तक सही है? कितने हिंदुओं को वहां पर काट दिया गया? इनका प्रोटेस्ट तो सिर्फ बहाना था, इनका निशाना हिंदू था। अगर भारत देश की सेना 1971 में अगर पाकिस्तान से ना भिड़ती तो आज बांग्लादेश में कोई भी बांग्लादेशी जिंदा ना होता। पूरा का पूरा पाकिस्तान इसके पीछे है। ये सही आज खुलिया मारा है, लेकिन उनके पीछे पूरी की पूरी प्लानिंग में समझता हूँ कि चाइना और अमेरिका की हो सकती है। राहुल गांधी आज क्यों मुंह बंद करके बैठा है, मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ। जब दूसरे कंट्रीज में अगर इस प्रकार का कोई कांड होता है तो तुरंत तुम लोग मुंह खोलते हो? ओवैसी साहब, बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द तुम्हें नहीं दिखा? अरे राहुल गांधी छोड़ो, ओवैसी छोड़ो, देश के ऐसे कई सेक्युलर नेता हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर किसी नेता की जबान नहीं खोल रही। नेता आज डर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई भारत का मुसलमान नाराज ना हो जाए। लेकिन ये कांग्रेसों की सोच क्या है? जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी होगा, यानी इनका क्या प्लान है कि यहाँ के भी लोगों को उकसाया जाए। मोदी जी के खिलाफ कांग्रेसी राज नहीं है, जो बांग्लादेश में हो जाए वो भारत में हो जाए, ये मोदी काल है। और मोदी काल में उस प्रकार की कल्पना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भारत देश में अगर उस प्रकार का अगर स्तर उठेगा तो उस स्तर को किस प्रकार से खुदलना है ये भारत देश की सैनिक जानते हैं, भारत देश की जनता जानती है। और भारत देश में हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो दूसरे देशों के लोग प्रणाम करते हैं पैर छूकर। अगर जातिवाद में बटोगे, जिस प्रकार से बंगाल में कटे है हिंदू वैसे ही कटोगे, जिस प्रकार में कश्मीर में हमारे कश्मीर पंडित भाई कटे हैं वैसे ही कटोगे। अगर ओवैसी आज डरता है ना, ठीक है ये पब्लिक में और मीडिया में बहुत बोलता है, लेकिन हमारे सामने बोलने के लिए 100 बार ये सोचता है। ये हमने यहाँ पर रिजल्ट दिया है, उतनी शक्ति हमने तेलंगाना में हिंदुओं की तैयार। मैंने बहुत बार ट्राई किया है पासपोर्ट के लिए, लेकिन केसेस होने के कारण मेरा पासपोर्ट नहीं बना। अगर मेरा पासपोर्ट बनता है बांग्लादेशी नहीं, पाकिस्तान में भी जाकर मैं हिंदू 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 की हित के लिए मैं कार्य करूंगा, हिंदुओं की रक्षा के लिए मैं कार्य कर सकता हूं। आपका पासपोर्ट कब तक बन रहा है? देखिए अभियान जारी है, अभी हमने हाई कोर्ट की शरण ली है। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ टी राजा सिंह, ठाकुर राजा सिंह, टाइगर राजा सिंह हमारे साथ मौजूद है। लंबे अरसे से दर्शक चाह रहे थे कि टी राजा सिंह को डिजिटल टॉक में बुलाया जाए और उनसे सवाल किए जाएं जो भी बांग्लादेश में चल रहा है। टी राजा सिंह, क्या लग रहा है आपको? अभी आपका हमने एक स्टेटमेंट सुना कि अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो आप बांग्लादेश जाके सुरक्षा कर सकते हैं हिंदुओं की। देखिए आज बांग्लादेश की जो परिस्थिति है जी, बहुत ही भयंकर रूप से आज हमें देखने को मिला है कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किस चीज का चल रहा है। प्रोटेस्ट तुम्हारा क्या था? सरकार से तुम्हारी लड़ाई थी, नौजवानों की सरकार से लड़ाई थी, तो आप सरकार से लड़िए, डिमांड कीजिए। हर राज्य में प्रोटेस्ट होता है युवाओं द्वारा, हर राज्य में होता है, लेकिन इस प्रकार से प्रोटेस्ट को दूसरा रूप देना, हिंदुओं के घरों को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना और हिंदुओं का मर्डर करना, बलात्कार करना, हिंदुओं के घर जला देना, ये कहां तक सही है? कितने हिंदुओं को वहां पर काट दिया गया? इनका प्रोटेस्ट तो सिर्फ बहाना था, इनका निशाना हिंदू था। और आज हम पूरा विश्व देख रहा है कि किस प्रकार से बंगाल में नरसंहार हुआ है। इनकी सोच कैसी है? ये बांग्लादेशियों की सोच कैसी है आज पूरा विश्व देख रहा है। आज आपको क्या लगता है टी राजा सिंह की बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो किसके इशारे पर हो रहा है? देखिए सीधा सीधा मैं कहने वाला हूं, पूरा का पूरा पाकिस्तान इसके पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान वो गम नहीं भूल सक रहा जो रकम हमने दिया था इनको, यानी भारत देश इनका बाप है। और 1971 में हमारे भारतीयों की सेना ने, हमारे भारत की सेना ने किस प्रकार से
पाकिस्तान के जुल्म से बांग्लादेश को बचाया था, बांग्लादेश की जनता को बचाया था और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, और 90,000 की पाकिस्तानी सेनाओं को घुटने के बल भारत देश की सेना ने झुकाया था। वो गम पाकिस्तान कभी नहीं भूल सका। ये हमने बहुत सारे एक्सीडेंट में देखे हैं, कारगिल युद्ध के समय पर देखे हैं, आज आतंकवादी हमले होते हैं भारत पर। इनकी सोच बस एक ही है, फिर से हम बांग्लादेश को हासिल करें, बांग्लादेश में हमारा राज हो, पूरा का पूरा पाकिस्तान में बैठे ISI के लोगों ने इस प्रकार की योजना बनाई है। आपकी योजना नहीं है, ये कई वर्षों से इनकी प्लानिंग चल रही थी। नौजवानों को सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काया जा रहा था, ये एक इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जो उस प्लानिंग में ये लोग सफल हुए। आप पूरी तरह से शेख हसीना का जो तख्ता पलट है, आपको लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तानी है या और इंटेलिजेंस एजेंसीज, कहा जा रहा है कि इसमें चाइना ने भी सपोर्ट किया, कुछ CIA का भी सपोर्ट था, क्या लग रहा है आपको? देखिए, खुलेआम तो पाकिस्तान का ही नाम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पीछे बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हो सकता है, और शेख हसीना ने कहा कि भाई अमेरिका का भी इस पर हाथ है। तो भले ही भारत देश से ये लोग शोपटप दोस्ती करते होंगे या बताते होंगे कि हम भाई भारत के भी दोस्त हैं, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़े अगर हमारे देश के कोई दुश्मन है तो वो चाइना है। तो पाकिस्तान तो खुलेआम आ जा रहा है, ISI आज खुलेआम आ रहा है, लेकिन उनके पीछे पूरी की पूरी प्लानिंग मैं समझता हूं कि चाइना और अमेरिका की हो सकती है। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर आपने राहुल गांधी को एक सलाह दी है, क्या है वो सलाह? टाइम्स नाउ भारत के दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है, उस नेता को ये पता नहीं कि मुझे कब क्या कमेंट करना चाहिए, कब किसको ट्वीट करना चाहिए, किस समय पर मुझे क्या बोलना चाहिए। दुर्भाग्य है कांग्रेसियों का कि उनको एक ऐसा नेता मिला है, जैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए कार्टून शो बताते हैं और वो कार्टून से देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, तो वैसे ही आज कांग्रेसियों को एक बहुत बड़ा कार्टून मिल चुका है राहुल गांधी के रूप में। राहुल गांधी ने जैसे ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चेंज हुआ, तुरंत उनके बधाई का एक ट्वीट कर दिया। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने निवेदन किया कि हमारे हिंदुओं की रक्षा हो। उनके और राहुल गांधी के ट्वीट में बहुत फर्क है। राहुल गांधी आज क्यों मुंह बंद करके बैठा है, मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ। हिंदुओं को काटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जब दूसरे दूसरे कंट्रीज में अगर इस प्रकार का कोई कांड होता है तो तुरंत तुम लोग मुंह खोलते हो। कईयों बार इनके हमने कमेंट देखे हैं, तो आज देश की जनता राहुल गांधी से ये पूछ रही कि क्यों तुमने बांग्लादेशियों के जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, क्यों उस पे तुमने कमेंट नहीं किया, तुम क्यों ने उस पे बात नहीं किया। आज भारत देश का हिंदू, भारत देश का हर वो नागरिक पूछ रहा है राहुल गांधी से। देखिए, अच्छा, इसपे ओवैसी साहब का भी कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक, कुछ खास रिएक्शन? ओवैसी साहब तो सिर्फ दूसरे कंट्रीज में अगर मुसलमानों पर अगर अत्याचार होता है, देखिए जहां जहां पर इस्लामिक कंट्री है, जहां जहां पर इस्लामिक कंट्रीज बनी है, वहां पर कौन सुकून है आप बताइए। आपस में लड़ रहे और आपस में मर रहे हैं। अगर किसी कंट्री में जैसे गाजा की अगर हम बात करें, हाँ, और तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते, तो भाई तुम्हें वहां के मुसलमानों का दर्द ही दिखा, बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द तुम्हें नहीं दिखा। और आप हर बार मीडिया में रहने के लिए हर बार उछलते हो, कूदते हो, हर वो सब्जेक्ट पे आपको कूदने की आदत है, तो क्यों बांग्लादेश के ऊपर तुम लोग बात नहीं कर रहे। अरे राहुल गांधी छोड़ो, ओवैसी छोड़ो, देश के ऐसे कई सेक्युलर नेता हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर किसी नेता की जबान नहीं खोल रही। नेता आज डर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए, क्यों? क्योंकि भाई भारत का मुसलमान नाराज ना हो जाए, भारत का मुसलमान का जो वोट है हमारे पार्टी से ना सरक जाए। तो ये लोग, ये जो घटिया जो राजनेता है ना, हमेशा वोट बैंक के ही बारे में सोचते हैं। इनकी सोच ये नहीं है कि भले ही कंट्री अलग है, लेकिन बांग्लादेश हमारा ही टुकड़ा था, हमारा ही जिगर का टुकड़ा था, वहां का हिंदू भी हमारे ही देश का था, वहां का हिंदुओं का दर्द हमारा दर्द होना चाहिए, ये फीलिंग किसी नेता में नहीं दिखी आज। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, उनका ये कहना है कि ये भारत में भी हो सकता है जो बांग्लादेश में हुआ है,
क्या लगता है आपको? सलमान खुर्शीद को मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस ही राज नहीं है, जो बांग्लादेश में हो जाए वो भारत में हो जाए, ये मोदी काल है। और मोदी काल में उस प्रकार की कल्पना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भारत देश में अगर उस प्रकार का अगर सर उठेगा तो उस सर को किस प्रकार से खुदलना है ये भारत देश की सैनिक जानते हैं, भारत देश की जनता जानती है। और भारत देश में हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो दूसरे देशों के लोग प्रणाम करते हैं पैर छूकर, दूसरे देश के लोग आज प्रेरणा ले रहे कि भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से हर देशों का मान सम्मान करते हैं हमें भी उनके मार्गदर्शन पर चलना है, वो प्रेरणा लेते हैं। लेकिन ये कांग्रेसों की सोच क्या है, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी होगा, यानी इनका क्या प्लान है कि यहाँ के भी लोगों को उकसाया जाए, मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ भड़काओ और यहाँ के भी नौजवानों को भड़का कर उकसाओ, यानी उनको भड़काने का एक प्लान ये कांग्रेस ही कर रहे। लेकिन इन कांग्रेसों को कहना चाहूंगा, और जो लोग जो बांग्लादेश में हुआ है भारत में भी होगा सोच जो रखने वाले ना, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, ये भारत देश है, भारत देश का हर वो हिंदू एक सैनिक है। भारत देश में अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि को अगर कोई पैदा भी करेगा तो उसका सर कुचलना हमारी सेना भी अच्छे से जानती है और हम भी अच्छे से जानते हैं। तो पाकिस्तान जैसे कई मुल्क कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमान, सेफ नहीं है। आपको लगता है कि भारत में सब सेफ हैं? आज जितनी माइनॉरिटीज को फ्रीडम जो मिल रहा है ना, वो किसी देश में नहीं मिल रहा है जितना फ्रीडम भारत में मिल रहा है, जितनी सुविधा इनको भारत देश में मिल रही है ना, किसी कंट्रीज में, खास करके इस्लामिक कंट्रीज में भी मुसलमानों को उतना फ्रीडम नहीं है जितना हमारे भारत देश में है। आज हमारे भारत देश में वकबोट के नाम पर ये लोग लैंड कब्जे किए हैं। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तब इनके पास कितनी जगह थी, और आज 9,40,000 एकड़ इनके पास जमीन है, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश स्वीकार कर रहा है। हर साल यही वकबोट के डिपार्टमेंट को हम लोग पैसे दे रहे हैं, हर राज्य में इनको पैसे दे रहे हैं। एक्चुअली पैसा 1 रुपया इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग साल में 200 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उतने इनके पास प्रॉपर्टी है, फिर भी हम लोग पैसा दे रहे हैं इनको। यानी भारत देश में आज माइनॉरिटीज को कितनी फैसिलिटीज है, हर जगहों पर माइनॉरिटीज को स्पेशल फंड दिया जाता है। भारत, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का एक ही एक सोच है, सबका साथ सबका विकास। कहीं पर भी गरीबों के लिए अगर कोई अच्छी सी स्कीम अगर बनाते हैं तो उसमें हिंदू भी उसका बेनिफिट लेता है और मुसलमान भी उसकी बेनिफिट लेता है। अगर यही अगर इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम बात करें, उनकी जो योजना होती है ना, वहां पर इस प्रकार की कोई अच्छी अच्छी स्कीमें नहीं निकलती है, वहां पर माइनॉरिटियों को दबाया जाता है, माइनॉरिटियों का धर्मांतरण किया जाता है। अगर यही भारत में प्रारंभ हुआ तो, क्योंकि हम लोग इस प्रकार का कार्य नहीं करते, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री है ना हमारे, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। भारत देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम एक होकर भारत देश की सुरक्षा के लिए और भारत देश के विकास के लिए हम सोच रखेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति है। अच्छा, टी राजा सिंह खुलकर हिंदुत्व पर अपनी राय रखते हैं, हिंदुत्व के बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा है साउथ में, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आप खुल के अपने विचार रख देते हैं? क्योंकि तो क्या लगता है आपको? देखिए, बस मेरी एक ही एक सोच है, हिंदू होने के नाते हम हमारा कर्तव्य निभाना है। जैसे मैं आज तेलंगाना में हूँ, तेलंगाना में एक समय पहले ओवैसियों का गुंडा राज खुलेआम चलता था। यहाँ पर अगर कोई हिंदू फेस्टिवल भी अगर मनाना है तो उसको परमिशन नहीं मिलती थी, परमिशन भी अगर मिले तो साउंड का परमिशन नहीं मिलता था, साउंड का भी अगर परमिशन मिले तो साउंड इतना धीमा रखना पड़ता था कि भाई इसकी आवाज एक गली से दूसरी गली में अगर आएंगे तो हम हमला करेंगे। भारत में, खास करके तेलंगाना में, ओल्ड सिटी में, जहां जहां पर हिंदुओं की दुकानें होती थी, उन दुकानों पर हमला किया जाता था, उन दुकानों को लूटा जाता था। इस प्रकार का माहौल तेलंगाना, जब आंध्र प्रदेश था, इस प्रकार का माहौल हमारे यहाँ पर था। लेकिन जब से हमने हिंदुओं को एक करने का कार्य किया, जो भी आतंकी सोच रखने वाला अगर हमारे हिंदुओं पर अगर बुरी निगाह डालकर, अगर किस प्रकार की कोई कम्युनल जैसे अगर सोच रखने वाला अगर कुछ करता था, तो उसको हम जब जब जवाब देना स्टार्ट करें।
और यहाँ पर श्रीराम नवमी शोभा यात्रा, हनुमान जयंती शोभा यात्रा, सभी हिंदू फेस्टिवल को हमने बड़ा चढ़ा के बहुत ही भव्य रूप से करना जब से प्रारंभ किया, यहाँ का हिंदू एक हुआ, यहाँ का हिंदू जागृत हुआ, तब से ओवैसी के दोनों भाइयों के मुंह आज बंद है। अगर ओवैसी आज डरता है ना, ठीक है, ये पब्लिक में और मीडिया में बहुत बोलता है, लेकिन हमारे सामने बोलने के लिए 100 बार ये सोचता है। ये हमने यहाँ पर रिजल्ट दिया है, उतनी शक्ति हमने तेलंगाना में हिंदुओं की तैयार। अच्छा, आपका एक बयान हम सुन रहे थे कि अगर आपका पासपोर्ट बन जाए तो आप बांग्लादेश जाकर हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, क्या था वो पूरा बयान, थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे एक मीडिया मित्र ने मुझे एक क्वेश्चन किया था, क्या आप बांग्लादेश जाएंगे? तो हमारे मीडिया मित्र को मैंने कहा कि इन कांग्रेसियों ने, ये ओवैसी ने, पिछली जो सरकार थी हमारे पास बीआरएस की, वो सरकार ने मेरे ऊपर लगभग 200 FIR करवाई है, 200 केसेस इन लोगों ने मेरे ऊपर बुक करवाए हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया है पासपोर्ट के लिए, लेकिन केसेस होने के कारण मेरा पासपोर्ट नहीं बना। तो हमारे मीडिया मित्र को कहा, अगर मेरा पासपोर्ट बनता है बांग्लादेशी नहीं, पाकिस्तान में भी जाकर मैं हिंदू 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 की हित के लिए मैं कार्य करूंगा, हिंदुओं की रक्षा के लिए मैं कार्य कर सकता हूं, ये मेरा स्टेटमेंट था। तो आपका पासपोर्ट कब तक बन रहा है? देखिए, अभियान जारी है, अभी हमने हाई कोर्ट की शरण ली है, हाई जी कोर्ट से भी हमने निवेदन किया है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं जिनके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस है, मेरे ऊपर भी कोई संगीन ऐसा जुर्म जुर्म नहीं है, मेरे पर भी पॉलिटिकल केसेस ही है, तो हमारा पासपोर्ट आप कृपया करके बनाने के लिए आप परमिशन दे बोल के हमने कोर्ट से ऑर्डर लेने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाया है। अच्छा, एक बयान आपका और है कि हिंदुओं को जाति में बांटकर कुछ नेता रोटियां सेकते हैं राजनीति में, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग धर्म का प्रचार करते हैं, हर राज्य में जाते हैं। पिछले 2 दिन पहले ही मेरा छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में मेरा कार्यक्रम था, भव्य रूप से कार्यक्रम अच्छा हुआ, वहां पर भी हमने नौजवानों को निवेदन किया, अगर जातिवाद में बटोगे, जिस प्रकार से बंगाल में कटे हैं हिंदू वैसे ही कटोगे, जिस प्रकार में कश्मीर में हमारे कश्मीर पंडित भाई कटे हैं वैसे ही कटोगे, तो इसलिए हम नौजवानों में जो जातिवाद का जो जहर जो नेता है जो फैलाते हैं ना वोट बैंक के लिए, वो जातिवाद को खत्म करने के लिए, तुम हिंदू मैं हिंदू, हमारा एक ही कर्तव्य, हमारे धर्म की रक्षा करना, हमारे देश की रक्षा करना, तो खास करके ये जो युवा पीढ़ी है, इनके अंदर से जातिवाद को खत्म करने का छोटा सा एक मेरा प्रयत्न है। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि आप हिंदुत्व पर आप खुलकर अपने विचार रखते हैं और आप तेलंगाना से विधायक भी हैं, तो क्या आपको उस इलाके के मुस्लिम भाई भी वोट करते हैं? जी नहीं, मुझे कोई मुस्लिम वोट नहीं करता और हम वोट भी नहीं मांगते, और ऐसे लोगों की वोट की आवश्यकता मुझे कभी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को हमने निवेदन किया था कि भाई गाय हमारी माता है, और जो व्यक्ति गाय का कत्ल नहीं करता, जो व्यक्ति गाय का मांस नहीं खाता, ऐसा ही व्यक्ति मुझे वोट करे। लेकिन जहां जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां वहां के बूथों को हमने देखा है, लगभग 2014 से मैं चुनाव लड़ता हूँ, तीसरी बार विधायक बना हूँ, और वो समय से लेकर आज तक मैंने हर वो बूथ को देखा है, वहां पर मुझे एक वोट भी नहीं मिला, और आगे भी उम्मीद नहीं है कि ये लोग मुझे वोट करेंगे। मुझे ऐसे लोगों का वोट नहीं चाहिए जो मेरी गाय को मारते हैं और मेरे हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और आने वाले 10 साल में डी राजा सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, बस मेरा एक ही एक सपना है, हिंदू होने के नाते एक हिंदू नेता की तरह एक पहचान बनाऊं, ना कि पॉलिटिकल एक नेता की तरह, बस यही सपना है कि जब तक जीवित रहूं, मेरे धर्म की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहूं, और खास करके नौजवानों में जो धर्म के प्रति, जो जातिवाद के प्रति जो गलत भावना होती है, उन भावनाओं को हटाकर बस हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक अच्छी सी सेना का निर्माण करूं और इनको अच्छे से लेकर आगे बढ़ूं, बस यही मेरी इच्छा है। एक आखिरी सवाल है, जो बांग्लादेश के नए मुखिया बने हैं, नए चीफ बने हैं, मोहम्मद यूनुस, उनका एक स्टेटमेंट था कि शेख हसीना से भारत के अच्छे रिश्ते थे लेकिन बांग्लादेश से नहीं थे, तो आपको लगता है कि अभी उन्होंने माफी मांगी है कल जो मोहम्मद यूनुस हैं, नए मुखिया हैं बांग्लादेश के, हिंदुओं से कि माफ कर दीजिए, तो ये माफी देर हो गई मांगने में या क्या लगता है आपको, अभी भी देर नहीं हुई? देखिए, जो भी अभी नए प्रधानमंत्री बने बांग्लादेश के, उनको आज ये समझने की आवश्यकता है कि तुम आज जो जिंदा हो वो भारत की ही देन है,
अगर भारत देश की सेना 1971 में अगर पाकिस्तान से ना भिड़ती तो आज बांग्लादेश में कोई भी बांग्लादेशी जिंदा ना होता। आज बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, शेख हसीना जी के समय पर, तो भारत का उसमें बहुत अच्छा योगदान है। बहुत अच्छे संबंध शेख हसीना जी से पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि शेख हसीना जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए सोचा है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सोचा है। तो उनके रिश्ते हमारे रिश्ते कभी खराब हो नहीं सकते। आगे जितना हो सकता है भारत देश शेख हसीना जी के सपोर्ट में रहेगा। और रही है नए प्रधानमंत्री जी की बात, ये थोड़ा जल्दबाजी में अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट दे रहे, क्योंकि जितने उनके आजू बाजू जो नई टीम बनी है ना, मैं समझता हूँ वो टीम के चक्कर में ही उल्टे सीधे बयान दे रहे, उसके बाद में माफी मांग रहे। अगर बांग्लादेश सुरक्षित अगर रखना है तो भारत देश से अच्छे संबंध बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को रखना ही है। और एक आखिरी सवाल, बांग्लादेश के 1.25 करोड़ हिंदुओं को टी राजा सिंह क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश के मेरे 1.25 करोड़ हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अगर आप हाथ बंद करके बैठोगे तो ऐसे ही कटोगे, इसलिए शस्त्र विद्या लो, गन लाइसेंस लो। हर वो बांग्लादेशी हिंदू भाई बंधु के घर के अंदर, हर व्यक्ति के पास में गन होनी चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए। हो सके तो लड़ना स्टार्ट करो, नहीं तो मैंने इससे पहले भी कहा है और हर सभा में कहता हूं, जो लड़ेगा वही जिंदा रहेगा, जो नहीं लड़ेगा, जिस प्रकार से आज बांग्लादेश में हिंदू मारा गया वैसे ही मरेगा। बाकी का भारत देश की सरकार आपके साथ है, भारत देश के प्रधानमंत्री आपके साथ है। अगर ज्यादा अगर आपके ऊपर जुल्म होता है तो हम मोदी जी से भी निवेदन किए थे पिछली सभा में कि गेट खोल दिए जाए। 1.25 करोड़ हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई बंधुओं को भारत देश में प्रवेश मिलना चाहिए, क्योंकि आज रोहिंग्या बसे हुए हैं, बांग्लादेशी बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा बसे हुए हैं, तो वो तो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बच्चे हैं, क्योंकि हमारे देश का टुकड़ा था वो। तो अगर वहां पर उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार होता है तो तुरंत यहाँ के गेट खोल देना चाहिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि टी राजा सिंह ने बहुत खुले दिल से अपने विचार रखे हैं। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया टी राजा सिंह जी, धन्यवाद। धन्यवाद।